नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। भोपाल, राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रात करीब 9 बजे आग लग गई। यह आग कमला नेहरू बिल्डिंग के पीडियाट्रिक विभाग में लगी है। हादसे में कुछ बच्चों के झुलसने की खबर है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू जारी है। बच्चों के परिजनों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में बच्चों को ढूंढने के लिए अफरा तफरी मच गई है। मंत्री विश्वास सारंग और DIG इरशाद वली भी पहुंच गए हैं। डॉक्टरों की टीम को अस्पताल बुला लिया गया है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आरिफ ने बताया कि धुएं के कारण आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। मौके पर आग बुझाने के लिए फतेहगढ़, बैरागढ़, पुल बोगदा समेत अन्य फायर स्टेशनों से 8 दमकल मौके पर पहुंच गई हैं। धुआं ज्यादा होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। हमीदिया अस्पताल परिसर में 7 अक्टूबर को भी नई बिल्डिंग में दूसरे तल के ठेकेदार के स्टोर रूम में गुरुवार सुबह आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई थी। जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।